देश भर में आज दीपावली के पावन पर्व की धूम है। शहर शहर के बाजार सजे हुए हैं तो लोग पिछले कई दिनों से लगातार बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं। आज भी सुबह से ही बाजार में लोगों की भीड़ दिखाई दी, जिससे व्यापारियों में खुश है और क्योंकि कारोबार लगातार बढ़ भी रहा है। तो ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहाँ कहीं चमकती लड़ियाँ दिख रही हैं, कहीं सुंदर सुंदर पटाखे दिख रहे हैं, तो व्यापारी भी खुश हैं, चमक रहा है कारोबार। क्योंकि देखिए, दीपावली एक ऐसा पावन पर्व है जिसकी तैयारियाँ शायद अगर दिनों से नहीं तो 15-20 दिन पहले से ही शुरू की हो जाती है, और साथ ही साथ जो बाजार है वो भी सज जाते हैं, तो कहीं चमकती लड़ियां दिखाई दे रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाजारों की तस्वीरें हैं, जहां पर चाहे हम फूल मालाओं की बात करें, पूजा सामग्री की बात करें, या फिर अगर हम बात करें सजने संवर चीज़ों की, कपड़ों की बात करें, ये परकोटे की वो तस्वीरें हैं। क्योंकि दीपावली का पावन पर्व है तो देश भर में रौनक है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी जनता है वो भी खुश, और साथ ही साथ जो कारोबारी हैं, क्योंकि कारोबार इस समय बढ़ता है और साथ ही साथ रोशन भी जो बाजार हैं वो रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बाजार सज गए हैं, दुकानें गुलजार हैं। और ये परकोटे की तस्वीरें हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो दीपावली का त्यौहार है, रोशन बाजार है, तो सज गए बाजार। तो दीपावली का आज पावन पर्व मनाया जा रहा है, दीपावली का त्यौहार है, रोशन बाजार है, दुकानें भी गुलजार है, तो देश भर में और ज्यादा तस्वीरें दिखाने के लिए पावन पर्व पे जयपुर से हमारे साथ लोकेश ओला जुड़ चुके हैं, टोडा भीम से सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जयेश हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी को, तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पावन पर्व की। लोकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जयपुर की जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? देखिए, जयपुर के अंदर आज दीपावली का जो त्यौहार है बड़ा खुश और उमंग के साथ में मनाया जा रहा है। बात करें तो जयपुर में अभी मौजूद है छोटी चौपड़ पर, जहां उत्साह लोगों का देखने वाला, खरीदारी का जो दौर है वो आज सुबह से ही शुरू हो चुका। आज मुख्य रूप से पूजा की सामग्री हुई या फिर जो मिठाइयाँ अन्य जो सामान है वो आज खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग बाजार में पहुंचे हैं, तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहेंगे, जो छोटे चौपड़ के फूल मालाएं हैं और अन्य जो सामग्री है वो खरीदने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं लोग, और उत्साह है वो भी इनमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक लंबे पीरियड के बाद में और इस बार जो खास जो उत्साह है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं, फूल मालाएं हैं, पूजा की सामग्री है, वो खरीदने के लिए यहाँ लोग पहुंचे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात भी करेंगे उनसे। क्या क्या खरीद लिया आज? आज पटाखे ले लिए हैं, कमल का फूल ले लिया है, फूल माला वगैरह ले रहे हैं। बस दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी। अच्छा लग रहा है आज दिवाली? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद मार्केट में इतनी रौनक देखने को मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। पटाखे खरीद रहे हैं, फूल मालाएं, पूजा की सामग्री है वो यहाँ लोग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी है, देख भी रहे हैं कि शहर के अंदर पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा है, चाक चौबंद की गई है, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया, और उसी प्रशासन की मुस्तैदी के बीच में लोग हैं वो पूजा की सामग्री है, अपनी दिवाली की जो खरीदारी है वो करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और खास तौर से जिस तरह से दिवाली का जो त्यौहार है और जयपुर के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जो जयपुर की जो सजावट है वो देश विदेश में जो प्रसिद्ध है दिवाली के ऊपर, और विशेष तौर से इस दिवाली की जो सजावट होती है और उस सजावट के दौरान जो लोग है, प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती है और उत्साह वो देखने को। हमारे साथ कुछ लोग व्यापारी, उनसे भी बात, क्या क्या खरीद लिया आज दिवाली के ऊपर? खरीद लिया वापस आपकी। टोडा भीम से हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, टोडा भीम की क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन से बाजार में आप मौजूद हैं, और जरा आसपास जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करके बताएं। मैं इस वक्त थोड़ा भी कस्बे के बाजार के पूर्व चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ आज दीपावली का जो पावन पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ लोग भी सुबह से ही तैयारियों में जुट गए थे, आज दीपावली का पावन पर्व है, कैसा लग रहा है, कैसी तैयारियां कर रहे हो घर में? तैयारी
बिल्कुल पूरा लोग दीपावली को मना रहे हैं। एक बार मेरे कैमरामैन साथी भी कहूंगा जो थोड़ा भी के आपको पूरी लाइव तस्वीर दिखाए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा। अगर कोई बाहर आएगा तो भाजपा को यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और देखिए बिल्कुल यहाँ साफ सफाई की दुकान दिखाना चाहूंगा मैं आपको। मेरा कैमरामैन साथी से कहूंगा आज दीपावली का पर्व है, क्या खरीदारी की है बता दें और क्या कुछ खरीद रहे हैं आज, क्या कहेंगे किस तरीके की व्यवस्था है बाजार में, कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल श्वेता, लोगों का यही कहना है कि बाजार में बहुत अच्छी व्यवस्था है। और देखिए ये दीपावली का जो पर्व होता है ये बहुत ही खास पर्व होता है, इसकी तैयारियां काफी दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। और देखिए बाजार में चाहे मिठाई की दुकान हो, चाहे सजावट की दुकान हो, या खील पतासे हो, या लक्ष्मी पूजन का जो भी सामान है जिससे लक्ष्मी आज घरों में पूजी जाएगी, लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, चाहे वो लाइटिंग हो, अच्छी अच्छी लाइटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अब श्वेता बाजार में आ गए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ के व्यापारियों को आशा भी है कि आपके पास भीलवाड़ा से हमारे साथ जयेश भी जुड़ चुके हैं। जयेश, क्या कुछ जानकारी है इस पावन पर्व को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन से बाजार में आप फिलहाल मौजूद हैं? देखिए हम भीलवाड़ा के सूचना केंद्र पर खड़े हैं, जो भीलवाड़ा शहर का मुख्य हृदय स्थल कहा जाता है, जो आज दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार पर जो 5 दिवसीय ये पर्व मनाया जाता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर जो है भीलवाड़ा का प्रशासन भी मुख्य तौर पर अलर्ट नजर आया है। भीलवाड़ा के मुख्य हम लोग खड़े हैं सूचना केंद्र चौराहे पर, जहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह जो पूरे शहर भर का जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर खास तौर पर इस बार जो है रोशनी के साथ ही लॉर्ड शिवा की भी एक तस्वीर भीलवाड़ा में लगाई गई है, मुख्य सूचना केंद्र चौराहे पर लगाई गई है, जिसको देखने के लिए भी शहर भर के जो शहरवासी हैं वे यहाँ पर उमड़ रहे हैं। अभी से जो खरीदारियों का दौर है, जो लोग गन्ना और जो कमल के फूल और इसके साथ ही लक्ष्मी पूजन की जो सामग्रियां हैं वे लोग खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। उसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि विशेष तौर पर नगर परिषद के द्वारा इस बार यहाँ पर जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, साथ ही जो एक आतिशबाजी का मार्केट यहाँ लगाया जाता है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के अंतराल में यहाँ से करीब चित्रकूट धाम के नजदीक जो है वो आतिशबाजी का मार्केट लगाया जाता है, जिसके चलते शहर में जो है ट्रैफिक की व्यवस्था को भी बदहाल इस बार नहीं देखा जा रहा है। जो पुलिस कर्मी है वे भी अपनी सुरक्षा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर शहर वासियों को समस्या का सावधान भी नहीं करना पड़ रहा है। जी ठीक है जयेश, वापस लौटूंगी आपके पास। अजमेर से हमारे साथ नवीन भी जुड़े हुए हैं। नवीन, अजमेर की क्या कुछ तस्वीरें हैं जरा दिखा दीजिए। जी हर्षिता, मैं आपको बताना चाहूँगा आज दीपावली का जो लाइटिंग फेस्टिवल के नाम से मशहूर है और दीपावली का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगर बात अजमेर शहर की करें तो अजमेर में नगर निगम की ओर से जगह जगह सजावट की गई है, वहीं व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से भी जगह जगह आकर्षक सजावट की जा रही है। आपको या ये भी बताऊँगा कि जो अजमेर वासी है आज भी जो चाहे गन्ना हो, लक्ष्मी पूजा में जो भी सामग्री यूज आती है, गन्ना कमल, ये खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों पर भी भारी भीड़ है। बात अगर सुरक्षा की जाए तो अजमेर पुलिस की ओर से 500 पुलिस कर्मियों का जाब्ता, इसके साथ ही अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। जी आपको ठीक है अब मैं लोकेश के पास जाना चाहूंगी। लोकेश, क्या कुछ राजधानी जयपुर की तस्वीरें, परकोटे में फिलहाल आप मौजूद हैं, क्योंकि देखिए परकोटा एक ऐसी जगह है जहां पर काफी भीड़ भी दिखाई देती है। आज क्या कुछ अभी फिलहाल सुबह माहौल है, क्योंकि जो रोशनी है वो भी देखने लोग आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल हर्षिता, जिसने कहा कि परकोटे का एक विशेष महत्व है, यानी कि जयपुर का जो हृदय स्थल है वो परकोटे को कहा जा सकता है, और वो भी जो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और जो बाजार है मुख्य जयपुर का, वो खास इसमें महत्व रखता है। हम तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहेंगे। पहले हमने खरीदारी और फूल माला और जो पूजा सामग्री की दिखाई है, और कुछ तस्वीरें हम यहाँ बाजार की दिखाना चाहेंगे और जो किस तरह की सजावट वो की गई है। हम छोटी चौपड़ के मौजूद है। छोटी चौपड़ पर ये जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, एक समुद्र मंथन की जो सजावट है वो उसमें थीम पे इस बार सजाया गया है जयपुर को, और जो जयपुर की जो लाइटिंग है वो खास महत्व रखती है। बाजार के अंदर जो खरीदारों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, साथ ही जो पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदियाँ दिखाई गई है, फायर जो ब्रिगेड की जो मशीन है, वाहन है, वो यहाँ तैनात किए गए, एम्बुलेंस यहाँ तैनात की गई है, ताकि किसी तरह की जो अनहोनी नहीं हो। अगर ऐसा कोई घटना होती है
तो तुरंत मौके पर पहुंच सके और जो 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 आपातकाल स्थिति है उसको काबू पाया जा सके, इस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। इसके अलावा जो बाजार में खरीदारों की बात करें तो खरीदारों में भी उत्साह है, वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक जो पूजा की सामग्री खरीदने के लिए जयपुर शहर के अगर शहरवासी आसपास अगर आपकी कोई जो छोटी जो दुकानें लगाते चाहे फूल मालाओं की अगर हम बात करें, कई दुकानें होती है, जरा उनसे भी बातचीत करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात भी करेंगे। क्या बेच रहे हैं आप? हजारा की माला बेच रहे हैं सर। कैसे बेची? ये 10 रुपए जोड़ा 15 रुपए जोड़ा दे रहे हैं। अच्छी दुकानदारी हो रही है आज तो जी। लोग खरीदार पहुंच रहे हैं। जो पूजा की सामग्री दीपक है या फिर अन्य जो आइटम है जो छोटे जो पूजा के सामान में काम में लिए जाते हैं वो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि खरीदार है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और उत्साह है वो खास लोगों में इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक जो जयपुर वासी है वो परकोटे के अंदर पहुँचते हैं सामान खरीदने के लिए, पूजा के सामान खरीदने के लिए, और जो बेचने के लिए भी यहाँ जो फुटकर है जो फुटपाथ पर जो छोटे जो व्यापारी हैं या फिर जो दुकानदार हैं वो यहाँ जो पूजा के सामान है या फिर दीपक है और अन्य जो आइटम है वो यहाँ लगा रखा है। हम बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह से और क्या क्या आइटम यहाँ लगा रखे, आपने क्या क्या लगा रखा है यहाँ पर? सब माला, दिवाली का दिया भी है, हीरा भी है, लाल कलर का दिया भी है, रंगोली है, प्रसाद है, सब चीज है, मूर्ते है, सब है, कलश भी है। ग्राहक की कैसे क्या हो रही है दुकानदारी, किस तरह से हो रही है दुकानदारी? ठीक चल रही है, व्यवहार ठीक चल रही है दुकानदारी। उन्होंने बताया कि ठीक दुकानदारी इस बार चल रही है, क्योंकि जो खरीदार होते हैं वो दिवाली के दिन आते हैं, जो पूजा की सामग्री खरीदने के लिए वो दिवाली के दिन आते हैं। कमल गट्टे भी यहाँ रखे हुए हैं वो भी बेचने के लिए, और दिवाली के दिन अगर जो सामान पूजा का खरीदा जाता है वो मुख्यतः दिवाली के दिन, और इसी तरह के आइटम है। क्या क्या रखा आपने? एक कमल के फूल है, कमल गट्टे हैं। कैसे दिए? 30 का जोड़ा। ये क्या है? ये कमल गट्टे हैं। ये भी कमल गट्टे हैं। ये कैसे दिया? ये भी 30 का जोड़ा है। पूजा के काम में लेते हैं। हाँ, लक्ष्मी पूजन के, लक्ष्मी पूजन के दौरान ये जो आइटम है जो पूजा की सामग्री है चाहे कमल गट्टे हैं या फिर कमल है या फिर जो अन्य आइटम जो सामग्री है वो खरीदी जाती है। तस्वीरें भी हमने दिखाई, ग्राहकों को भी हमने बात की, और जो उत्साह है वो भी इन लोगों में यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जयपुर शहर और जो ठीक है। लोकेश, आपके पास एक बार फिर से लौटती हूँ। जयेश हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। जयेश, आपके आसपास जो बाजार है जो सज रहे, जरा एक बार उनकी तस्वीर दिखाइए, और साथ ही साथ जयेश जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ठीक है, जयेश के साथ फिर जुड़ेंगे। नवीन हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से। नवीन, आप जरा एक बार जो आसपास जो दुकानें लगी हुई हैं जरा उनसे बातचीत करें, कैसा कारोबार रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दीपावली के पर्व पर जो पूजन सामग्री है और जो मिठाई है वह बेचने के लिए लोग खड़े हुए हैं, और अब जो यह गन्ना बेच रहे हैं, एक बार इनसे बात करते हैं कि किस तरह की इस बार खरीदारी हुई है, किस तरह की खरीदारी रही है? अब क्या है, खरीदारी बहुत कम है, चुनाव का माहौल है अभी, बाकी बेच रहे माल पड़ा है, बिका नहीं अभी तक। जी आप बताए किस तरह का माहौल है? बिल्कुल बेकार हो गया माहौल, बिकी नहीं रहा माल, बिल्कुल भी नहीं बिक रहा माल। जी जैसा कि ये जो यहाँ दुकान लगा कर बैठे हैं, इनका कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार खासा बाजार कमजोर रहा है और उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है नवीन, और बाकी सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।